हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग का ड्रीम में। नर्सिंग कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत ही गुड न्यूज़ के साथ मैं आई हूँ। जो भी कैंडिडेट्स एमएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, ये वीडियो उन्हीं के लिए है। जो बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट लाइक आरए के एम्स से नर्सिंग करना चाहते हैं, ये वीडियो उन्हीं के लिए होने वाला है। ऑलरेडी एम्स ने अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम और फॉर्म जो है रिलीज़ कर दिए हैं। तो अगर आप एम्स के थ्रू एमएससी करना चाहते हो तो मैं उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और आप लोग चेक कर सकते हो कि कब से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया और कब तक लास्ट डेट रहने वाला है और क्या प्रोसीजर रहने वाला है। नेक्स्ट, अगर आप आरए के से जो है राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज से जो है नर्सिंग करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा कॉलेज है, तो यहाँ की एडमिशन डेट्स और जो फॉर्म रिलीज़ कर दिया गया है तो उसके बारे में मैं सारी आपको इन्फॉर्मेशन दूँगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सारी इन्फॉर्मेशन सब कैंडिडेट्स तक पहुंच जाए। इसके जो फॉर्म अवेलेबिलिटी है जो वेबसाइट पे आपको शो हो जाएंगे वो 15 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं और कंप्लीट आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हो 2 से 5 बजे तक। लास्ट डेट जो रहने वाली है वो इसकी 17 मार्च तक रहने वाली है। तो अभी आपके पास बहुत टाइम है, तो आप आराम से अपना फॉर्म फिल करें। और जो सिलेक्शन टेस्ट होगा वो भी बहुत जल्द है, तो वो है 30 अप्रैल 2023 को संडे को 10 बजे, और जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 12 मई 2023 को। उसके बाद जो काउंसलिंग और फीस पेमेंट का सारा प्रोसीजर होगा वो 30 और 31 मई को होगा, और सेशन जो है आपका उसके बाद जो है अनाउंसमेंट होगी 31 मई के बाद वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको इंक्वायरी करनी हो तो यहाँ पे आप जो है फॉलोइंग कैंडिडेट्स जो मेंशन किए गए हैं लाइक प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटर, उनसे जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हो। जो आपका सेशन रहने वाला है वो 2023-2025 रहने वाला है। फुल प्रॉस्पेक्टस आपको मैंने ऑलरेडी पीडीएफ में जो है सेंड कर दिया है, तो फुल पीडीएफ अगर आप देखना चाहते हो सारी इन्फॉर्मेशन तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाकर उसको जो है डाउनलोड कर सकते हो। लिंक आपको सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फुल प्रॉस्पेक्टस जो है रिलीज़ कर दिया गया है। टोटल जो इनकी सीट्स हैं 429 रहने वाली है। मिनिमम क्वालिफिकेशन बीएससी नर्सिंग होगी और जो इसमें सेमेस्टर रहेंगे वो 4 सेमेस्टर रहेंगे, मतलब 2 इयर्स का ये कोर्स रहने वाला है। सारी एलिजिबिलिटी आपको पेज नंबर 4 to 9 के बीच में मिल जाएंगी। कौन कौन से एरियाज जो है यहाँ पे स्टडी होगी आपकी, उसमें है नर्सिंग एजुकेशन, एडवांस नर्सिंग प्रैक्टिस, नर्सिंग रिसर्च, क्लिनिकल स्पेशलिटी और स्टैटिस्टिक्स और आपका नर्सिंग मैनेजमेंट। तो ये आपके एरियाज़ हैं जो रहने वाले हैं। मींस क्लिनिकल स्पेशलिटी लाइक अगर आप पीड्स में करना चाहते हो तो वो आपकी स्पेशलिटी होगी, अगर आप मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में करना चाहते हो तो वो आपकी स्पेशलिटी होगी। यहाँ पे जो फिर अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट आपको रहेगी वो 80% रहेगी थ्योरी में, तभी आप जो है प्रैक्टिकल के लिए जो है एलिजिबल होगे। अगर हम मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए, आपकी बीएससी ऑनर्स भी हो सकती है, और उसके बाद जो है आपका 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसी के बाद जो है आप एलिजिबल होंगे। और अगर आपने पोस्ट बेसिक जो है इग्नू के थ्रू पास की है तब भी आपको जो है 1 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। टीचिंग का मेनली यहाँ पे लिया जाता है, वैसे अगर आपका हॉस्पिटल का हो तो भी वो भी चलेगा। तो ये सारी आप जो है रिक्वायरमेंट्स चेक कर सकते हो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो। बाकी फॉर्म कब से रिलीज़ होगा वो सारी डिटेल्स मैंने आपको दे रखी हैं। बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस वैकेंसी से रिलेटेड, इस फॉर्म और इससे कोई भी रिलेटेड क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हो और मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, और आपकी क्वेरी जो है बहुत जल्द सॉल्व कर दी जाएगी। और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि जो भी एस्पिरेंट्स प्राइवेट सेक्टर से एमएससी कर रहे हैं और उनको नहीं पता कि जो है गवर्नमेंट सेक्टर से एमएससी करने के लिए क्या करना है, तो उन तक ये वीडियो पहुंच जाए और उनका जो मनी है वो भी बच जाए और उनका एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाए। क्योंकि गवर्नमेंट एमएससी बहुत से एस्पिरेंट का ड्रीम होता है, तो वो आराम से इसको कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आपका बहुत बहुत। वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।